हेलो ब्रिलियंट स्टूडेंट्स। अच्छा, बड़े चैक रहे हो क्योंकि आपको इसके अंदर फिगर मिली हुई है ना, अपनी तरफ से फिगर बनानी नहीं पड़ेगी। लेकिन फिर भी अगर मान लेते हैं कि आपको वैसे तो इसमें इन्फॉर्मेशन इतनी है ही नहीं कि हम फिगर अपनी तरफ से बना सके, क्योंकि एक्स वाई जेड है ना, तो फिर भी अपनी तरफ से एक बार बनाने की कोशिश करो और फिर वो गलत बनेगी कोई बात नहीं, लेकिन आपको आपका माइंड तो लगेगा है ना। तो चलिए, अब आपके अंदर एक बार एनर्जी आ गई है ये देख करके कि आपको फिगर दे रखी है, अब इस एनर्जी का इस्तेमाल हम करते हैं इस एग्जांपल सिक्स को करने के लिए। स्टूडेंट्स, इस एग्जांपल सिक्स में क्या है, अभी हम क्या कर रहे हैं क्लास नाइन्थ के लिए एक्सरसाइज 6.2 से पहले एक एग्जांपल सिक्स है, हम वो करने जा रहे हैं और चैप्टर का नाम है लाइन्स एंड एंगल्स। और लाइन्स और एंगल्स इसलिए नाम है इसका क्योंकि हम इसके अंदर लाइन्स और एंगल्स की प्रॉपर्टीज़ का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, इसके अंदर क्या है, आपको एक फिगर दे रखी है 6.27, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया हमारी बात हुई, और ए बी पैरेलल टू सी डी है, ए बी सी डी के पैरेलल है, ठीक है। नेक्स्ट, सी डी पैरेलल है ई एफ के, सी डी ई एफ के पैरेलल है। ऑल्सो ई ए इज परपेंडिकुलर टू ए बी, जो ई ए है वो ए बी पर परपेंडिकुलर है। इफ बी ई एफ इज इक्वल टू 55 डिग्री, ये एंगल 55 डिग्री दे रखा है बी ई एफ, फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स वाई एंड जेड, हमें एक्स वाई और जेड की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो ये बड़ी आसानी से होने वाला है क्योंकि आपने इससे पहले वाले भी बहुत सारे क्वेश्चंस किए हैं, तो ये बार डायरेक्टली करके देखें इसको कैसे कर पाएंगे। तो चलिए देखते हैं इसको। देखिए, ये है 90 डिग्री, ये दोनों देखिए, ये दोनों पैरेलल है और ये पैरेलल है इसके, तो इसकी वजह से तीनों ही पैरेलल हो गई, ठीक है। अब ये इसके पैरेलल है, ये हुई ट्रांसवर्सल, ये 90 डिग्री है, तो ये एंगल भी 90 डिग्री होगा क्योंकि ये एंगल प्लस में ये एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो हमारा ये एंगल आ जाएगा 90 डिग्री। 90 डिग्री आ गया, 90 में से हम इसको माइनस कर देंगे तो हमारी ये वैल्यू जो है आ जाएगी, ओके ठीक है। नेक्स्ट क्या होगा, अब फिर हम देखते हैं, ये दो लाइनें पैरेलल हमें दे भी रखी है, और फिर इस एंगल और इस एंगल का सम कितना होगा बताइए, 180 डिग्री एग्जैक्टली। इंटीरियर कॉन्सिक्यूटिव एंगल्स, जैसे जो जिसकी वजह से ये भी हुआ था, ये एंगल इस एंगल का सम जो है 180 डिग्री हुआ था, वो भी इंटीरियर कॉन्सिक्यूटिव एंगल्स की प्रॉपर्टी की वजह से हुआ था। तो हमारी जो y की वैल्यू है ये निकल जाएगी। उसके बाद अब ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है और ये हुई ट्रांसवर्सल, जिसकी वजह से ये एंगल इस एंगल के बराबर हो जाएगा, और फिर क्या होगा, जो ये वैल्यू आई थी वही वैल्यू x की भी होगी। तो स्टूडेंट्स, इस तरीके से हम x, y, z तीनों की वैल्यू निकाल चुके हैं ओरली, ठीक है, मतलब पता लग गया कि रास्ता कौन सा है कि हम ये सॉल्व कर पाए। तो चलिए अब इसको स्टेटमेंट फॉर्म में करते हैं, और स्टेटमेंट फॉर्म में करने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो, और इसको शेयर कीजिए नीडी स्टूडेंट्स के लिए, लाइक कीजिए अगर आपको ये पसंद आए तो, और कमेंट कीजिए कुछ कहना चाहते हैं, और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। तो स्टूडेंट्स, लेट्स डू द सॉल्यूशन। बिकॉज ए बी पैरेलल टू सी डी हमें दे रखी है एंड सी डी पैरेलल दे रखी है ई एफ के, सो ए बी पैरेलल टू सी डी पैरेलल टू ई एफ हो गई, और हमें दे रखा है, इसको नाम दे देते हैं 1, एंगल 1 इज इक्वल टू 55 डिग्री। इतने तीन तीन अल्फाबेट के नाम लिखेंगे दिक्कत हो जाती है, नहीं गलती होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं, ज़्यादा ध्यान भी लगाना पड़ता है, तो इससे बढ़िया है 1, 2, 3, 4, 5 बहुत सारी काउंटिंग हमारे पास, उसका हम इस्तेमाल कर लेंगे, ओके। अब लिखते हैं बिकॉज ए बी पैरेलल टू ई एफ, अभी हमने प्रूव किया था तीनों पैरेलल है, एंड ट्रांसवर्सल लेंगे हम ये, एक चीज़ और रह गई, इसे नाम देते हैं 2, एंगल 2 इज इक्वल टू 90 डिग्री, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है, ठीक है। ए बी पैरेलल टू ई एफ है, उसके बाद ए ई इज ट्रांसवर्सल, ये पैरेलल ये ट्रांसवर्सल, तो इसको पूरे को नाम दे देते हैं 1, 2 एंड दिस 1, 3, एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री, क्यों, इंटीरियर कॉन्सिक्यूटिव एंगल्स, जरा देखिए ये इस तरीके से है।
तो जो ये एंगल और ये एंगल का सम कितना होगा 180 डिग्री, और जो ये वाला एंगल है इन दो एंगलों के सम के बराबर है, ठीक है। अब 2 तो हमारे पास 90 डिग्री है, गिवन है, परपेंडिकुलर है ना, इसलिए 180 इंप्लाई दैट एंगल 3 की वैल्यू कितनी आएगी, 180 माइनस 90 दैट इज 90। ओके, अब एंगल 3 जो है वो बराबर है एंगल 1 प्लस जेड के, और 1 की वैल्यू 55 डिग्री है, एंगल 3 की वैल्यू हमने 90 निकाली है, 55 डिग्री प्लस में जेड, तो जेड की वैल्यू क्या आ जाती है, 55 लेफ्ट में जाएगा, 90 माइनस 55, 10 माइनस 5 5, 8 माइनस 5 3, 35 डिग्री। लीजिए, एक तो हमारा आंसर आ गया, इसे हम कह सकते हैं आंसर 1, या फिर हम इसको लास्ट में सारे एक्स वाई जेड की वैल्यू रख के आंसर कर देंगे। फिलहाल हमारा जेड आंसर आ गया है। अच्छा, अब नेक्स्ट, अब हम फिर प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करेंगे कि सी डी पैरेलल है ई एफ के, बिकॉज सी डी पैरेलल टू ई एफ, एंड ट्रांसवर्सल कौन सी होगी इसके अंदर, जो इस दो लाइनों को दो अलग अलग पॉइंटों पे काट रही है वो ये है, एंड डी ई या बी ई कह सकते हैं इज ट्रांसवर्सल, सो y प्लस एंगल 1 इजल टू 180 डिग्री, क्यों, इंटीरियर कॉन्सिक्यूटिव एंगल्स, ये तो हुआ रीजन। इसके बाद क्योंकि स्पेस कम है तो मैं इसके आगे कर रहा हूँ, y की वैल्यू क्या आएगी, 180 डिग्री माइनस एंगल 180 डिग्री माइनस 1 की वैल्यू हमने क्या निकाली, ओ ओ 1 की वैल्यू तो दे रखी है 55 डिग्री, यानी कि 55 ने हेल्प किया हमारी इस एंगल को निकालने में और इसकी भी निकालने में हेल्प, बल्कि ये सारे क्वेश्चन को सोल्व करने में सभी चीज़ों जो दे रखी है सबकी ही हेल्प होती है, तो 55 की हेल्प हुई हमारी इस चीज़ के लिए, y इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 55 डिग्री। ओके बेटा, 10 माइनस 5 5, 7 माइनस 5 2 एंड 125, हमारी जो ये वैल्यू है ये निकली 125 डिग्री। ओके नेक्स्ट, बिकॉज ये और ये, मतलब आपको लिखना पड़ेगा कि क्यों ये इक्वल हुए, ए बी पैरेलल है सी डी के एंड बी डी इज ट्रांसवर्सल, ट्रांसवर्सल वाली लाइन कई कई बार नहीं लिखवाते हैं तो आप स्किप कर सकते हैं, तो फिर क्या हुआ, x और y की वैल्यू क्या होगी, x इज इक्वल टू y, क्यों, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स है ना, तो इससे क्या हुआ, जो x है वो y के बराबर हुआ, y की वैल्यू हमने निकाली थी 125 डिग्री, तो ये भी आ गया। तो इस तरीके से हमने तीनों के आंसर्स निकाल लिए, क्या क्या निकला, जो x है उसकी वैल्यू आई 125 डिग्री, y 125 डिग्री, z 35 डिग्री साइज से है ना, कहाँ है ये रहा 35 डिग्री, ये हुआ हमारा आंसर। ओके स्टूडेंट्स, तो इससे पहले हम सम अप कर चुके हैं, सम अप टाइप में हमने ओरली कर लिया था, एक बार दोबारा से करना चाहें तो चलिए करते हैं, और डोंट फॉरगेट टू लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट एंड प्रेसिंग द बेल आइकन। स्टूडेंट्स, इसके अंदर हमें दे रखी थी ये तीन लाइनें, ये दोनों पैरेलल है, ये दोनों पैरेलल है, इसकी वजह से क्या हुई, ये तीनों ही पैरेलल हो गई, ये इसके पैरेलल, ये इसके पैरेलल, तो ये भी इसके पैरेलल हुई, तो तीनों पैरेलल हो गई ना, और हमें ये एंगल 55 डिग्री दे रखा है। 55 की हेल्प से अब देखिए, जो ये दोनों लाइनें हुई पैरेलल, तो इस एंगल और इस एंगल का सम हुआ 180 डिग्री इंटीरियर कंसेक्यूटिव एंगल्स, तो ये 90 है, तो ये एंगल भी 90 आ गया। ओके, लेकिन ये एंगल इन दोनों का सम है, ये 55 डिग्री है, तो इससे हमारा जेड की वैल्यू आ गई 35 डिग्री। ओके नेक्स्ट क्या है, ये दोनों की दोनों हुई पैरेलल, तो इस एंगल 1 और वाई का सम कितना होगा 180 डिग्री, तो हमने वाई की वैल्यू हमारी निकल गई 125 डिग्री इंटीरियर कॉन्सिक्यूटिव एंगल्स। अब ये दोनों लाइनें पैरेलल है और ये हुई ट्रांसवर्सल, तो जिसकी वजह से ये एंगल इस एंगल के बराबर हो गया है ना, हाँ, तो ये दोनों इक्वल होने की वजह से क्या हुआ, ये इसके लिए कौन सी प्रॉपर्टी का इस्तेमाल हुआ, कोरस पॉन्डिंग एंगल्स, तो
ये भी 125 डिग्री आ गई। ओके स्टूडेंट, दिस वे वी हैव कंप्लीटेड दिस एग्जांपल 6। इन नेक्स्ट वीडियो विल डू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज एग्जांपल 7। थैंक यू फॉर वॉचिंग योर ऑन वीडियो। विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो।